नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर हत्याकांड में 6 गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई है जारी। भुसावर में निजी विद्यालय की बस की टक्कर से बालक की हुई मौत, पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। राजस्थान के सवाई माधोपुर के बोली में निर्दलीय उम्मीदवार मक्कन लाल गिरफ्तार, पुलिस के साथ की अभद्रता। और श्री विजयनगर में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मात्र 2 दिन है बाकी, राजनीतिक दलों में काफी भागम भाग जारी। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सिंगरौली ग्राम सराई में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का 7 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं हो पाया, जिससे मजदूरों में काफी रोष है। मजदूरों ने शासन से शीघ्र मजदूरी भुगतान करने की मांग की है। पीड़ित मजदूरों का कहना है कि मजदूरी के लिए वे बार बार सचिव का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं सचिव की लापरवाही से स्कूल निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। भुसावर के बैर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जगह जगह नुक्कड़ सभा आयोजित किया और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में वोट और देने की और उन्हें विजय बनाने की अपील की है। इस मौके पर साइकिलडो की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं भुसावर में नेशनल हाईवे भरतपुर पर स्थित गांव वाचरेन पर सड़क पार करते समय बालक को निजी अस्पताल की बस ने टक्कर मार दी है। घायल को स्थानीय ग्रामीण की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बुलंदशहर में चिंगरावटी महाव मामले में स्थाया कोतवाल सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बलवाइयों ने सरकारी वाहनों को फूंक दिया था। पुलिस चौकी में ताबड़तोड़ की गई थी। एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की भी तलाश की जा रही है। रिपोर्ट में 27 लोगों को नामजद करते हुए 70 से अधिक बलवाइयों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चिंगरावटी बयावाल के आरोपी चमन देवेंद्र निवासी नयाबास, सतीश निवासी सियाना और आशीष चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड योगेश राज की भी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इसके अलावा आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सवाईमाधोपुर के बोली में उपखंड मुख्यालय बोली पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में निर्दलीय प्रत्याशी मक्कनलाल मीना को देर शाम 7 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मक्कनलाल मीना बोली बस स्टैंड पर अपने समर्थकों के साथ डीजे बजाते हुए गाड़ी पर चढ़कर प्रचार कर रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस के साथ उसने अभद्रता की तो मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके चलते पुलिस द्वारा मक्कनलाल और उसके 2 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा उनके 4 वाहनों को जब्त कर लिया गया। बाकी समर्थक मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के बाद बोली कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, साथ ही स्थिति को नियंत्रित की हुई है। मौके पर SDM विजेंद्र मीणा ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। बीकानेर में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा के कद्दावर नेता आज देवी सिंह भाटी देशनोक पहुंचकर भाजपा उम्मीदवार पूनम कंवर के लिए जनसंपर्क करेंगे।
पूनम कंवर देवी सिंह भाटी की पुत्रवधु है। पूर्व मंत्री भाटी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सत्यमेव न्यूज से खास बातचीत की और भाटी ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने जा रही है। भाटी ने कांग्रेस पर टिकट वितरण से पनपी बगावत पर अपने अंदाज में चुटकी ली। साथ ही भाटी ने कहा कि भाजपा के पास वसुंधरा राजे के रूप में सशक्त नेतृत्व है, जबकि कांग्रेस के पास सीएम का चेहरा तक नहीं है। श्री विजयनगर में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मात्र 2 दिन बाकी है। राजनीतिक दलों में काफी भागम भाग है। सभी प्रत्याशी तूफानी दौरों पर है और जनता को रुझाने की कोशिश भी जारी है, इसलिए जनता भी अपने चहेते के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसका एक नमूना गांव डबजाल में देखने को मिला, जहां सोना देवी बावरी को संपूर्ण गांव ने अपार सफलता की कामना करते हुए समर्थन दिया और ग्रामीणों ने सोना देवी बावरी को फूलों और नोटों की मालाओं से लाद कर स्वागत किया। सोना देवी और पंजाब सरकार से मंत्री जीरा साहब ने गांव डबजाल में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोना देवी कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी कि आपकी अपनी सरकार है। इस मौके पर पूर्व सरपंच सरदार तरसेम सिंह मरोक, कृष्ण बशीर, मंगल राम बाड़पंच, सरदार बोहर सिंह बिचोलिया से जसराम जी आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केशरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांता मेघवाल ने मंगलवार को इंद्रगढ़ क्षेत्र में पैदल घूमकर भाजपा को वोट देने की अपील की है। भाजपा प्रत्याशी का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चंद्रकांता मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की भावनाओं की भी कदर नहीं करती, वह जनता की भावनाओं को क्या समझेगी। भाजपा पार्टी सबकी भावनाओं को समझकर विकास के नए आयाम स्थापित करती है और वहीं आगामी 7 दिसंबर को भाजपा के पक्ष मतदान करने की उन्होंने अपील की है। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर पहुंचने पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी भाजपा देहात रमेश विश्नोई, जिला उपाध्यक्ष सहीराम विश्नोई, दूलीचंद सोनी, भलाराम पटेल ने उन्हें पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बड़े ही नेक भाव से मोदी सभी से मिले और जिले की विधानसभा सीटों का फीडबैक भी उन्होंने वहीं लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोवंशी के शक में हुई हिंसा और बवाल में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह समेत 2 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद गंभीर होने के कारण जांच अधिकारी ADG इंटेलिजेंट SV शिरोडकर बुलंदशहर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।